हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड़ामालानी भाजपा के मौजूदा विधायक लादूराम विश्नोई ने भरा नामांकन। बाद में विधानसभा के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के रूप में लादूराम विश्नोई ने आज शुक्रवार को गुड़ामालानी SDM के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरा। लादूराम विश्नोई गुड़ामालानी से मौजूदा विधायक है और भाजपा सांसदीय सचिव भी है। गुड़ामालानी से इस बार टिकट की दौड़ में लादूराम विश्नोई के पुत्र KK विश्नोई भी थे, लेकिन भाजपा आलाकमान ने पुत्र की बजाय अनुभवी पिता पर भरोसा करते हुए लगातार चौथी बार मौका दिया। हालांकि दो बार चुनाव हारने के बाद विश्नोई तीसरी बार 2013 में चुनाव जीते थे। नामांकन से पूर्व भाजपा मौजूदा विधायक व प्रत्याशी लादूराम विश्नोई ने सभा का आयोजन किया, जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे, जिसके बाद समर्थकों के साथ रैली का आयोजन कर विश्नोई उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गुड़ामालानी SDM के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं लादूराम विश्नोई के सामने कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में हेमाराम चौधरी को हरी झंडी दिखाई है। हेमाराम चौधरी पूर्व राजस्व मंत्री भी रहे हैं। गुड़ामालानी से जागरूक TV की रिपोर्ट।